महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस के 43,183 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28,56,163 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के अभी तक 54,898 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 249 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में गुरुवार को अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुंबई में गुरुवार को पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 8,646 कोरोना के मामले पाए गए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत दर्ज हुई है। ये मामले ऐसे वक्त में आए हैं जब पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू प्रभावी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिकारियों को लॉकडाउन की तैयारियां करने का निर्देश दे चुके हैं। तमाम एहतियात और पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामलों में काबू नहीं पाया जा सका है। मुंबई में पिछले 30 दिनों में कोरोना संक्रमण के 88,000 मामले सामने आए हैं। इसी तरह वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में आज सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। नए साल में कोरोना ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज 325 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33,496 पर जा पहुंचा है। आज शहर में कोरोना संक्रमण से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत्यु का आंकड़ा 916 पर जा पहुंचा है। आज कुल 66 लोग डिस्चार्ज हुए और अभी 2,163 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। आज पाए गए कुल 325 मामलों में सबसे ज्यादा मामले आज विरार से पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 114 पाई गई है। वसई से 108 मामले पाए गए हैं। नालासोपारा से 92 और नायगांव से कुल 11 मामले पाए गए हैं।